आज मैं बॉल स्टार्ट हूँ, आपको तो पता ही है, निवेदिता बासु मेरी लाइक सिस्टर है, आई रियली 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 लव हर, उनकी जो छोटी बेबी है, मेरी छोटी बहन है, एंड आई लव देयर फैमिली, सो वेरी रेडी फॉर दिस। जिधर भी आकाश होता है तो आपको पता है एंजॉयमेंट तो होता ही है, यू नो, पर हम लोग फन करेंगे, इट्स गोइंग बी अ गुड टाइम। Yo, this is Pehla, Kadam, miss that movement. This for the women, you know, empowerment. All right, that's about it. Oh, aaj bahut cool and subtle, you know, like that. Scoop. Is that cool stuff? Aaj main chilled out mood mein hu. Aaj bahut studio mein kaam kiya, to aaj chilled out aane ka tha mujhe. Yes. मेरा नया गाने के लिए शूट पे जा रहा हूँ मैं, यू नो, मूव योर बॉडी इज कमिंग आउट, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरे तीन नए गाने आ रहे हैं, बैंग बैंग तो आपने देखा ही होगा, अभी मूव योर बॉडी आ रहा है। कुछ मैसेज अपने फ्रेंड को, हैप्पी न्यू ईयर। यस, जस्ट हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और प्लीज सेफ रहना, हाँ, ज्यादा ड्रिंक मत करना, अगर ड्रिंक करो ड्राइव मत करना, बस, लव यू। जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे निवेदिता से, तो वो हमें काफ़ी कुछ बता रही थी। पहला कदम जो है वो एक इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, मींस बीइंग विमेन, मतलब एक औरत है तो वो हर तरीके की मुश्किलों से जो गुजरती है उसको पोर्ट्रे करने के लिए वो लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो एक कदम उठा रहे हैं, उनका पहला कदम है उस और उस डायरेक्शन में, मींस विमेन हु हैव बीन टॉर्चर्ड फॉर एसिड अटैक्स और डाउरी हो गई, या आपका कलर, स्किन कलर डिफरेंस, आई थिंक बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या कहते हैं, आपको नो एजुकेशन है, एंड यू आर बीइंग ट्रीटेड द सेकेंड सिटीजन ऑल्सो, सो आई गेस दिस इज़ जस्ट अ वे और एक प्रयास है कि उसको इक्वालिटी पर लाने के लिए किस किस तरीके से वो करें, और मिसेज वर्ल्ड आई थिंक वो लोग करने वाले हैं, और 25 स्टेट्स और अब तो और भी एडअप हो गए हैं, काफ़ी टेरिटरीज, उन सब से लोग आएंगे और उन्हें प्रोजेक्ट करेंगे, तो अच्छा प्रयास है, और उनको उनका साथ देने के लिए, एंड जस्ट टू शो दैट वी आर देयर विद यू, वी हैव कम हियर। द सेम थिंग आई से, जस्ट कीप एम्पावरिंग वुमेन, बिकॉज दे ऑल्सो रन द वर्ल्ड equally, they only run the world because they give, they have got the just gift of giving birth. Yes, matlab men, of course we have beautiful men and nice men around us, lekin aurat ke paas jo shakti hai ki wo jan de sakti hai, ek janani hai, to kahin na kahin devi nahi par use normal to maniye, to wo ek prayas hai shayad isliye is tarike se logon ko samajh aa sake. Thank you. Hi, how are you? Kaise hain aap? Bahut acche lag rahe hain aap. मैं वही कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। आई एम ऑनर्ड दैट आई एम होस्टिंग दिस इवेंट, एंड व्हेन निवी कॉल्ड मी एंड शी सेड यू विल हैव टू होस्ट इट, एंड आई सेड थैंक यू वेरी मच, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, आई हैव नोन निवेदिता फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड व्हेन शी टोल्ड मी दैट दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चैरिटीज व्हिच ओनली रेज मनी, सी पैसा हर बंदा दे देता है, बट इवेंचुअली इट्स नॉट अबाउट मनी, डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड टेकिंग talent, putting it to use, putting it to another platform, that's what Pehla Kadam is going to do. So, bahut achhi baat hai, bahut hi achhi baat hai, ye cheez hai. Thank you, Baji. God bless you guys. Cheers. Bye. तो एक हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो ये कहते थे कि आपने अगर कुछ करने का सोचा और पहला कदम आपने ले लिया तो आधा काम आपका वहाँ पर पूरा हो जाता है, सो इट इज़ ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप, जो कि हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता होता है कि आपका लक्ष्य क्या होगा, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, बट दैट फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, और मतलब हम लोगों ने जिस तरीके की ज़िंदगी हम लोग जीते हैं उस पर से एक इंसान ने अपना वक्त निकाल कर इस तरह सोचना शुरू किया है, सो आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल जॉब एंड आई विश देम ऑल द लक। नहीं, देखिए बहुत सारे हैं, और ये इनफैक्ट ये सवाल बुरा नहीं है,
इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है या बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे उन लोगों को याद नहीं करते हैं कभी कभी। बड़ा आसान सा जवाब है, मेरी माँ और मेरी पत्नी। बट बहुत सारे ऐसे टीचर्स रहे हैं जिन्होंने कि उस समय में हम लोगों को संभाला है, क्योंकि हर लड़के की हर बच्चे की ज़िंदगी में एक समय आता है जब आप घर वालों के साथ जितना समय बिताते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने टीचरों के साथ समय बिताने लगते हैं, और उस समय पर सही दिशा ना मिलना या सही डायरेक्शन ना मिलना जो है वो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सो देयर हैव बीन नॉट वन और टू बट फार टू मेनी ऑफ देम। स्कूल में अपनी पहली प्रिंसिपल से शुरू करूँ और उसके बाद एक मिसेस सिंह थी जो कि अंग्रेज़ी की टीचर थी, एक मिसेस खट्टर थी जो हिस्ट्री की टीचर थी। ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की जगह जगह पे और समय समय पर बहुत सही दिशा दी, वरना एंड रिजल्ट कुछ और हो सकता था। सो बहुत सारे हैं लोग ऐसे जिनका कि शुक्रिया अदा करना अभी बाकी है ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। सर, इवेंट का नाम है पहला कदम और औरत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, माँ बहन बेटी गर्लफ्रेंड जो भी है, आप कुछ कहना चाहें उनके बारे में? कुछ भी आपको पहली मेमोरी स्ट्राइक करती है आपके माइंड में कि मेरे लाइफ में मेरी ये औरतें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं? यार, मेरी लाइफ में शुरू से लेकर अभी तक औरतें इंपॉर्टेंस रखती हैं, बिकॉज मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, यंगर सिस्टर हु आई लव एंड नाउ देयर इज माय वाइफ इन माय लाइफ। एंड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, बचपन से लेकर अभी तक मैंने यही देखा है कि मेरे डैड को और मुझे जो भी सही दिशा या मार्गदर्शन मिला है ज़िंदगी में वो औरतों की वजह से ही मिला है। एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड आई रियली लुक अप टू देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखिए, सबको कभी ना कभी अपनी बात कहने का मौका मिलता है, कोई ना कोई ज़रिया मिलता है, लेकिन जब वो मौका मिले और ज़रिया मिले तब खुद को रोकिएगा मत, ज़रूर थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा और आसपास कोई ना कोई ज़रूर मिल जाता है जो आपको हिम्मत देता है और उस मौके पर आप चौका मार सकते हैं। सर, अभी हाल ही में आपने कैलेंडर शूट किया, उसके बारे में बताइए। कैलेंडर शूट की सबसे अच्छी बात ये थी कि सबसे पहला मैं ही हूँ जो सबसे पहले शूट मेरे साथ शुरू हुआ था, एंड इन्होंने बहुत ही अच्छे से शूट किया था। मेरा एक अफगानी सा लुक है विच आई हैव नेवर डन, एंड सचिन ने बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए, एंड ललित के कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे थे। निवेदिता जी ने जो कॉन्सेप्ट बनाए थे हर एक के लिए वो बहुत अच्छे थे। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस यूनिक कैलेंडर बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन इनिशिएटिव ऑफ पहला कदम, तो आई एम श्योर जो भी मर्च करेंगे ये कुछ बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस कन्वर्सेशन पहला कदम है, नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्या रिप्रेजेंट करती है? आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव टेकन बाय निवेदिता, and I'm very glad to be a part of it. Before this, I've been a part of Smile Foundation many times. This initiative is a little new and it's different, and I'm happy to support it. And also Nivedita and me, we work in the same industry for a very long time, and yet we didn't get an opportunity to work together. So this was a good platform for us to come together and work on something very beautiful. And I have enacted a very bold role in the short film that you are going to be seeing once you are inside. So I'm looking forward to going inside and seeing the final clip. So yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. Okay, very warm welcome to this conversation because पहला कदम इवेंट का नाम है, नारी शक्ति शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके क्या विचार हैं इसमें? मेरा विचार ये है कि कोई भी चीज़ जब किसी इनिशिएटिव के लिए ली जाती है वो बहुत अच्छी होती है, बिकॉज देर आर न्यू पीपल, देर न्यू टैलेंट हु गेट्स एन ऑप्शन टू बी एबल टू सी वॉट इज़ अवेलेबल फॉर देम। बिकॉज क्या होता है कि जैसे आई हैव कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, फॉर मी टू बी एबल टू ब्रेक इन टू थिंग्स दैट आई एम डूइंग टूडे वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हेल्प मी, एंड आई थिंक विद इनिशिएटिव्स लाइक पहला कदम आई एम होपिंग अ लॉट मोर विल हैपन एंड न्यू पीपल विल बी एबल टू सी वॉट एल्स इज अवेलेबल। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम इट हैपेंस के इवेंट आया, लोग जागरूक हुए, बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो इवेंट गया तो फिर से चीज़ें वैसी हो गई। पर वो तो होता ही है हर जगह, पर सबसे अच्छी बात है चाहे वो दो महीने के लिए जागरूक हुए कुछ तो हुए, तो आइडिया इज जब नहीं आता ना, लेकिन वो आइडिया क्या होता है ना, हमें लगता है रिजल्ट नहीं आता, उसमें से दो लोगों को अगर वो प्रेरणा मिल जाती है, वो एक्साइटमेंट मिल जाती है, दोस टू विल ग्रो एंड विल हैव दैट मच ऑफ एनर्जी टू ग्रो इन लाइफ। And even if you are able to change two people's life through one initiative, आपने दो जिंदगियां तो बदली है ना, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अभी भी ज़रूरत है नर शक्ति को सपोर्ट करने की, बिकॉज शहरों में मुझे लगता है नर शक्ति को ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है. पर एब्सोल्युटली, बट द थिंग इज एज अ कंट्री ओनली वी हैव बीन ब्रॉट अप सेइंग कि नर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक वो जो थॉट प्रोसेस अब बदलेगा और जब बराबरी की होगा तो उसके बाद किसी को बचाने या बचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अभी तो है फिलहाल, बिकॉज देर आर कंडीशन ऑफ वुमेन विच इज़ नॉट नॉट रियली गुड. आपकी लाइफ में वो वुमेन जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जिनकी वजह से आप जो कुछ है आज यहाँ तक है, माँ है, वाइफ है, सिस्टर जो भी है, उनके बारे में.